हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नैशाला। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कॉफ़ी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चले फिर इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पैन में हम एक कप दूध डालेंगे और आधा कप पानी इसमें डाल के इसे उबाल लेंगे। ये दो कप कॉफ़ी हम बना रहे हैं। जब तक दूध गर्म हो रहा है, हम कॉफ़ी को फेंट लेते हैं। कप में डालेंगे 2 टेबल स्पून कॉफ़ी और 3 टेबल स्पून हम चीनी इसमें डालेंगे और इसमें जस्ट 2 टीस्पून गरम दूध डाल के मिक्स करेंगे और खूब अच्छी तरह से इसे फेंटना शुरू करेंगे। पहले ये कॉफ़ी के कलर की ही होगी, मगर इसे 10 मिनट तक बीट करेंगे तो ये अपना कलर चेंज करती जाएगी। इसका कलर ब्राउन सा हो जाएगा और ये मिक्सचर फोमी सा हो जाएगा। देखें इसका टेक्सचर कैसा चेंज हो गया है, मगर आपने इसे फेंटना बहुत अच्छी तरह है। अच्छा, मुझे ना उस कप में प्रॉब्लम हो रही थी, तो बस मैंने एक कप चेंज कर लिया था ताकि अच्छी तरह मैं इसे बीट कर सकूं। इसे मैंने 10 मिनट तक बीट किया है तो ये इस तरह की फ्रोथी हो गई है। और यहाँ दूध को देख लेते हैं, इसे भी इस तरह फेंटते हुए गर्म कर लें ताकि ये भी अच्छा झागदार हो जाए, ताकि जब हम कॉफ़ी बनाएँ तो पीने में बस मज़ा ही आ जाए। सब रेडी है, तो यहाँ कप में हमने 2 चम्मच कॉफ़ी के ऐड करना है। और फिर गर्मा गर्म दूध इसमें डालेंगे। देखिए दूध डालते ही ये फूल के ऊपर आएगी। कॉफ़ी को जितना अच्छा फेंटेंगे तो ये एकदम परफेक्ट कॉफ़ी बनके तैयार होगी। हल्के हाथ से इसे मिक्स करेंगे और देखें कैसी फोमी और झागदार कॉफ़ी बनी है। इसमें हम खूबसूरती के लिए थोड़ी सी कॉफ़ी स्प्रिंकल करेंगे, या फिर आप कोको पाउडर भी डाल सकते हैं। आप लोग भी इसे बना के एंजॉय करें। मुझे इजाज़त दें, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।